दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें। और अगर आप लोग अभी ये नहीं जानते हैं कि आपकी लग्न कौन सी है, आपका नक्षत्र कौन सा है या आपकी राशि कौन सी है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ तीनों चीजें आप लिख दीजिए। मैं आपको तीनों चीजें बता दूंगा कि लग्न कौन सी है, राशि कौन सी है और आपका नक्षत्र कौन सा है। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं वो क्या है, कृतिका नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कृतिका नक्षत्र हमारे ब्रह्मांड में दिखता कैसे पृथ्वी से। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप देखिए, ये कृतिका नक्षत्र है जो यहां से पृथ्वी से ऊपर देखने पर हमें दिखाई देता है। तो ये छह तारों का एक समूह मंडल है और जब हम नीचे से इसको देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, एक चाकू की आकृति का दिखाई देता है। तो इसका चिन्ह क्या है, नाइफ, चाकू। और अगर हम इसके भोग पीरियड की बात करें तो कैसे निकालेंगे, 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 40 डिग्री तक ये नक्षत्र का भोग काल है। 13 डिग्री 20 मिनट होता है हर एक नक्षत्र का। तो आप ये देखिए कि ये 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक तो रहता है मेष राशि में और बाकी तीन चरण 30 से लेकर 40 डिग्री तक इसमें चले जाते हैं, वृषभ राशि में चले जाते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी मतलब कौन है, वो है सूर्य भगवान। तो बात करते हैं कृतिका नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बॉडी की। तो ये लोग मध्यम कदकाठी के होते हैं और इनके जो कंधे शोल्डर होते हैं वो बहुत दमदार होते हैं, मसल्स वाले होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। किस तरीके की, क्योंकि यह मंगल की ऊर्जा भी आती है, सूर्य की ऊर्जा भी आती है और अन्य तीन नक्षत्रों में किसकी ऊर्जा आती है, शुक्र की राशि से संबंधित ऊर्जा भी इन लोगों के पास आती है। तो देखने में सुंदर होते हैं और मतलब दमदार होते हैं, ऊर्जा बहुत ज्यादा इनके अंदर होती है, प्रतिभाशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, कोई भी कार्य शॉर्टकट में नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया कमाना है अभी, तो उसके कई सारे रास्ते होते हैं। ये लोग हमेशा एक प्रॉपर वे, प्रॉपर रास्ता, बिल्कुल सही वाला जो रास्ता होता है, कानूनी रास्ता मतलब, उसको चूज करते हैं। तो ये कभी भी गलत कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो इनके अंदर ये होती है। दूसरी बात ये कि बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते और इनके अंदर एक विशेष प्रकार की नेतृत्व क्षमता होती है। अगर ये मान लीजिए किसी कंपनी के सीईओ हैं तो अपने सारे स्टाफ को अपने साथ लेकर चलने की इनकी एक नेचर होती है। अगर ये किसी सेना में है तो इनके अंदर क्या है, नेतृत्व क्षमता है, तो पूरी सेना के लोगों को अपने साथ रखेंगे। अगर आप इसके नक्षत्र को समझना चाहते हैं थोड़ा सा बारीकी से, तो हमें शिव के पुत्र कार्तिकेय को समझना होगा। उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, उनकी 6 माताएं थीं, ये स्टोरी आप समझ लीजिएगा। तो उसी प्रकार से ये 6 तारों का समूह मंडल है और कार्तिकेय का जन्म एक विशेष राक्षस को मारने के लिए हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे आपसे उनके युद्ध कौशल की। कार्तिकेय के अंदर एक अद्भुत कौशल था युद्ध लड़ने का और वो जितनी भी प्लानिंग, इसी प्रकार से कृतिका नक्षत्र वाले किसी भी कार्य को जब करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये समझते हैं कि इस काम को करना कैसे है, उसके बाद इसको ये पूरी तरीके से अंजाम देते हैं। मतलब केवल वो नक्षत्र नहीं है कि केवल सोचते रहे और काम नहीं किया, ये सोचते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं और जीत कर आते हैं। तो ये नेचर होती है हमारी कृतिका नक्षत्र वाले लोगों की। अब ये लोग किस प्रकार के होते हैं ये मैंने बताया, कटकाठी किस प्रकार की होती है ये बताया। अब नक्षत्र के थोड़ा अंदर चलते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है, इस नक्षत्र की ऊर्जा किस प्रकार की है ये पता चलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस नक्षत्र के देवता की। तो देखिए जिस प्रकार से आप लपटे उठती हुई देख रहे हैं, ये किसकी है, अग्नि की। तो इनके देवता कौन हुए, अग्नि देव हुए। तो अग्नि की जो सारी मतलब पॉजिटिव बातें हैं,
वो इसके साथ जुड़ी हुई है। देखिए क्या क्या जुड़ी हुई है। अग्नि के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी आप कभी कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें हविष्य डालते हैं, सारे के सारे देवी देवताओं को जो भी कुछ आप अर्पित करते हैं अग्नि उसको भस्म करती है और उनका जो हविष्य है वो बाहर चला जाता है, उन देवताओं के पास जाता है। तो अग्नि का कार्य क्या है कि कोई भी चीज आप उसके अंदर डालते हो उसको नष्ट करती है और उसकी नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी कहां भेज देती है, देवताओं के पास भेज देती है। तो सबसे पहले कृतिका नक्षत्र को जब हम समझेंगे तो इन लोगों के अंदर क्या है कि अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो ये उसको जलाकर भस्म कर देते हैं, ये इनकी खास आदत है। अपना निरीक्षण स्वयं करते हैं, जो कार्य गलत हो रहा है उसको वहां वॉच करते हैं। दृष्टि इनकी बड़ी सूक्ष्म होती है, इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। कारण क्या है, क्योंकि हर चीज का बहुत ही बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब कार्य को करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे सलाहकार भी होते हैं। और इनके लिए एक बात स्पष्ट है कि जब भी कभी, वैसे तो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब भी कभी आप देखोगे कि ये कोई कार्य करते हैं तो जहां पर इनका जन्म होता है ना, इस जन्म भूमि को छोड़कर अन्य किसी भूमि पर जब ये लोग काम करने के लिए जाते हैं तो इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इनके सिंबल की। देखिए सिंबल का बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो छह तारों का समूह मंडल है वो दिखने में कैसा है होता है, नाइफ की तरह, चाकू की तरह, इस प्रकार का उसका आकार नीचे से दिखाई देता है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है कि ये ब्लेड, ये चाकू का मतलब क्या है, इससे क्यों जोड़ा गया कि जितनी भी चीजें ये काटते हुए चलते हैं। काटते हुए चलने का मतलब क्या है, अगर कोई परेशानी आती है, कोई बाधा इनकी फील्ड में आती है तो ये घबराते नहीं है, मतलब उसको पूरी तरीके से काट देते हैं, समाप्त कर देते हैं, बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इनको ये तेज धार वाला हथियार दिया गया है। तो ये है इनकी खास बात, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कौन करती है, अग्नि, और कोई बाधाएं इनके जीवन में आती है तो उसको तुरंत जड़ से समाप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी बात करेंगे, देखिए प्लैनेट में आपको बता चुका हूं कि किससे जुड़ा हुआ है, सन की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे इनका पुरुषार्थ क्या है। तो जिस प्रकार से हर नक्षत्र का मैं आपको पुरुषार्थ बताता हूं कि आखिर उसका मेन पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इनका जो पुरुषार्थ है वो काम है, और ये जो मैंने आपको ये लगाया है ये रति और कामदेव की एक तस्वीर है, आप उसको देखिए। तो इनका मेन क्या है, काम ऊर्जा से जुड़े हुए ये लोग होते हैं, मतलब देखने में ये खुद भी बहुत सुंदर होते हैं, और इनका जो मन का जो मेन भाव है वो क्या है, काम से संबंधित है। इसलिए जो विपरीत लिंग है, मतलब अगर पुरुष है तो स्त्रियों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, और अगर इस नक्षत्र की महिलाएं हैं वे भी देखने में सुंदर होती हैं और वो पुरुषों को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ये सारा सिस्टम है इनके पुरुषार्थ का, और काम ऊर्जा से ही ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इनके गण की। देखिए तीन प्रकार के गण होते हैं, एक राक्षस, एक मनुष्य, एक देवता। इन सब में मतलब क्या है, राक्षस के अंदर जो गण है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो राक्षस लोग होते हैं ना, काम करने में जबरदस्त होते हैं, अगर वो कुछ चीज ठान लेते हैं तो काम करते हैं, और कृतिका नक्षत्र वालों की भी यही खास आदत होती है। अगर उन्होंने कोई काम अपने हाथ में ले लिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये लोग हाथ में लेते हैं, तो उसको जब तक पूरा ना करें, चाहे रात का एक बज जाए, दो बज जाए, काम करते रहेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटते। जो लक्ष्य एक बार बना लेते हैं उसको अचीव करके ही मानते हैं। तो ये गुण होता है किसका, राक्षसों का, ये इनका पॉजिटिव गुण है, इसलिए आप इसको इसी तरीके से समझें। अब इनका वर्ण क्या है, देखिए अभी तक बातचीत क्या हो रही है, कार्तिकेय की भी हुई, इनके व्यवहार की भी हुई, तो लड़ाई झगड़े की बातचीत हो रही है, सेना की बात हो रही है, ठीक है। अब इनका जो वर्ण है, मेन चीज क्या है, ये संबंधित किससे हैं, चाहे कितनी ही ऊर्जा इनके पास है, ऊर्जा से लबालब होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। लेकिन खास बात क्या है, इनकी जो थिंकिंग है वो ब्राह्मणों की तरह है, मतलब
ब्रह्म को, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना मतलब सेल्फ नॉलेज। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय ये अगर अपने आप को देते हैं तो ये बहुत ही जल्दी स्वयं क्या है, मैं क्या हूं, इस चीज के बारे में जल्दी यात्रा कर लेंगे। तो इनको ये भी समझना है कि ऊर्जा किस प्रकार की है। अब एलिमेंट किस प्रकार का है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब जो भी कार्य करेंगे, जो भी बात आपके सामने रखेंगे, उसमें ये नहीं है कि ये उठ के चले जाएं, भाग जाएं, इस तरीके नहीं। इनके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे एकदम प्रैक्टिकल होंगे। जो भी बात आप लोगों के समक्ष रखेंगे एकदम दमदार होगा, जैसे पृथ्वी। अब बात करते हैं इनके त्रिमूर्ति कौन से जुड़े हुए हैं, भगवान शिव जुड़े हुए हैं। अगर ये भगवान शिव का ध्यान करते हैं, और किस रूप में करते हैं, इस रूप में करते हैं, जैसे भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं, अगर ये इस प्रकार थोड़ा सा अपना समय ध्यान में लगाते हैं तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं एनिमल कौन सा जुड़ा हुआ है। तो देखिए राशि कौन सी है, वो नक्षत्र कौन सा है, फीमेल है। ये नक्षत्र जो है कृतिका नक्षत्र फीमेल नक्षत्र है। इसके साथ जो एनिमल जोड़ा गया है वो कौन सा जोड़ा गया है हमारे ऋषि मुनि द्वारा, फीमेल गॉड बकरी को जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वर्ड कौन सा जुड़ा हुआ है। तो देखिए कार्तिकेय का जो वाहन है वही इसका पक्षी है, मोर। अब मोर की सुंदरता भी आप देखिए, हर तरीके की बात को अगर आप समझोगे तो हर चीज उस नक्षत्र से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। अब बात करते हैं इनके साथ ट्री कौन सा जुड़ा गया, अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। अंजीर के पेड़ की ऊर्जा किसके साथ जुड़ी हुई है, कृतिका नक्षत्र के साथ भी जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं जी अगला साउंड। देखिए बार बार मैं आपसे क्या कहता हूं, आपका नाम किसी भी अक्षर पर लिखा हुआ हो, आपको किसी भी अक्षर से लोग पुकारते हैं, और मान लीजिए आपका कृतिका नक्षत्र है तो आपको ए ई ओ ए, ये आपके साउंड है, इसको कहते हैं हम लोग वाइब्रेशन, ध्वनि। अगर आप किसी भी वर्ड पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, ये चरण के हिसाब से है, चरण पर वीडियो में एक विस्तृत वीडियो आपको हर नक्षत्र की अलग से बना के दूंगा, तो जो आपका चरण होगा आप उस अक्षर का थोड़ी सी देर ध्यान जरूर करेंगे तो उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, उसकी हमें वाइब्रेशन प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करेंगे इनके हेल्थ के बारे में। तो देखिए कृतिका नक्षत्र वालों के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ये कैसे होते हैं, दमदार होते हैं, और दमदार होने के साथ इनके साथ ऊर्जा बहुत होती है, तो इनको आसानी से कोई बीमारी नहीं पकड़ती। और अगर कोई बीमारी पकड़ती है तो क्या है, आगे चल के जब थोड़ा 40-45 से ऊपर तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है और थोड़ा कब्ज वगैरह से रहने की थोड़ी सी समस्याएं इनको आती हैं। बात करते हैं मैरिज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस बात को समझो कि इस टॉपिक में महिलाओं की शादी और पुरुषों की शादी दोनों के बारे में कृतिका नक्षत्र जिनका है सब एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जो पुरुष हैं, मैंने आपको बताया देखने में सुंदर होंगे, सब बहुत अच्छे होंगे, इनकी जो मैरिज लाइफ है वो एकदम बढ़िया रहती है। अब बात करते हैं लेडीज की, जो महिलाएं कृतिका नक्षत्र से संबंधित है उनमें भी वही वाले गुण होंगे जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, स्वाभिमानी होंगी, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होगा। तो इस प्रकार की जो महिलाएं हैं ना वो एकदम से आप समझ लीजिए कि पुरुष उसको दबा के नहीं रख सकता, मतलब अगर वो एक सुनाएगा ये चार सुनाएंगी, तो इसमें होता क्या है, आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है। मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा कि दबा के रखना चाहिए, मेन चीज कहने का मतलब है कि पति पत्नी का जो रिलेशन है, अगर किसी ने कुछ कहा तो एक सुन ले, दूसरे ने कहा दूसरा सुन ले, तो छोटा क्या होता है, झगड़ा कम होता है। लेकिन कृतिका नक्षत्र वाली महिलाओं के अंदर स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। अब कोई बात अगर होती है, अच्छा ये सारी चीजें मैनेज बहुत अच्छे ढंग से करती हैं, सब कुछ इनके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं कृतिका नक्षत्र वाली। अब कोई बात मान लीजिए गलत होती है या इनसे कोई गलती हो गई तो ये गलती को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करती, तो ये लड़ाई का कारण होता है। दूसरी बात एक ये भी देखी जा रही है कृतिका नक्षत्र में कि जो महिलाएं हैं उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती ही आती है मंगल की ऊर्जा के कारण, तो एक जो बालक होने की क्षमता है इनके अंदर थोड़ा
कम देखी जाती है। तो एक ये भी वजह रहती है झगड़े की मेन। अब बात करते हैं इनके करियर की। तो देखिए आप लोगों ने ये तो समझा होगा कि जब इतनी ऊर्जा वाला नक्षत्र है तो कहां जाएगा, सबसे पहले सेना में जाए, पुलिस में जाए, आईपीएस ऑफिसर बने, इनके अंदर इंजीनियर, अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, जिस तरीके की भी इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है, इनको कोई भी पागल नहीं बना सकता। मेन चीज कहने का मतलब है कि इनकी सोचने की क्षमता बहुत तेज है, काम करने में ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो करियर कौन कौन से हो सकते हैं इनके, देखिए अच्छे वकील भी हो सकते हैं, सलाहकार भी हो सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर भी हो सकते हैं, अकाउंट्स की भी नॉलेज ये लोग बहुत अच्छी रखते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर भी इसका खुला हुआ है। अगर बिजनेस की बातें करें तो ज्वेलर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम, ये लेडीज हैं अगर तो ब्यूटी पार्लर का काम भी ये लोग बहुत अच्छे से कर पाती हैं। और मेडिसिन में भी जाएं, इंजीनियर के साथ साथ ये इनकी एक लाइन मेडिसिन वाली भी खुली हुई है। तो इन ये सारे क्षेत्र इनके लिए खुले हुए, जहां मर्जी ये लोग वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपसे मनी की। तो देखिए इस नक्षत्र में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पैसे आने के स्रोत हैं वो एक नहीं होते, कई सारे स्रोत होते हैं। आप इस बात को मानिए कि इसके अंदर पैसे की कोई कमी वाली बातचीत में ध्यान नहीं देखता। तो जब आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक अच्छे फौजी होंगे, तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल बढ़िया रहता है, पैसे की कोई दिक्कत वाली बातचीत इनके लिए यहां नहीं है। तो ये सारे सेक्टर मैंने कवर किए, पूरी वीडियो आप लोगों के सामने रखी। छोटा सा प्रयास है मेरा कि आप लोगों के समक्ष हर चीज रखूं, जिससे कि आपको यह पता चले कि नक्षत्र की ऊर्जा एक्चुअली होती क्या है। हम लोग थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करें कि अपनी बात आप लोगों के समक्ष रख सके। आप लोगों ने इतना समय मेरे साथ दिया, वीडियो को समझा, उसके लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।